नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में यार हम बात करेंगे यार पीएमजीसी के सीज़न ज़ीरो के बारे में। कुछ ऐसी बैटल्स हमें इस सीज़न में देखने को मिलने वाली है यार, जिनका सबको काफ़ी देर से इंतज़ार था और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, उसके बारे में आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि किसके ज़्यादा चांसेस है जीतने के, कौन सी टीम निकाल सकती है पीएमजीसी को। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है यार, तो पूरी वीडियो देखते जाओ ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके और आखिरकार ये टीम्स कौन सी हैं जो कि जीतने के जिसके ज़्यादा चांसेस हैं वो भी पता लग सके। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हम अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पीएमजीसी को मतलब जो पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप है, जिन्हें फुल फॉर्म नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसका सीज़न ज़ीरो जो है मेरे ख्याल से इस मंथ की एंडिंग में स्टार्ट होने वाला है। और भाई ये सीज़न सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब इतना न्यूज़ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यार पहली बार यार इस सीज़न में जो है चाइनीज़ टीम दोबारा हमारे खेलने आ रही हैं। पहले भी एक बार हुआ था जब चाइनीज़ टीम खेली थी ग्लोबल लेवल पर, तब इंडियन टीम्स भी थी, ठीक है, पर तब पबजी मोबाइल इतना फेमस नहीं हुआ था, मतलब फेमस था पर इतना लेवल पे नहीं था कि सारे ई स्पोर्ट्स को जान पाए। पर यार उसके बाद उन्होंने अपनी जो है गेम फॉर पीस बना ली, उसके बाद कोई कॉम्पिटिशन हुआ ही नहीं ग्लोबल लेवल पे। और यार अब फाइनली एक डेढ़ साल बाद जो है अब दोबारा से जो चाइनीज टीम्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने आ रही हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप में। तो दोस्तों जो टीम्स आ रही हैं चाइना से, वो सबसे पहले जो सबसे उनकी हम कह सकते हैं एक तरह जो सबसे बढ़िया टीम्स है वो है नोवा XKUF, आप उसे कह सकते हैं, और दूसरी जो टीम है वो है 4AM। तो भाई ये जो दोनों टीम्स हैं ये कम्पीट करने आ रही हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप में। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फाइट जो लोग सोच रहे हैं वो ये होने वाली है कि यार कि 4AM वर्सेज नोवा XKUF वर्सेस RRQ अथीना और वर्सेस BTR मतलब बिगेट्रॉन रेड एलियंस। तो आप सबको पता है जो BTR है यार वो काफ़ी मतलब जितने भी अभी तक टूर्नामेंट्स हुए हैं ग्लोबल लेवल पे जीतती हुई आई है और अपना एक डोमिनेशन उन्होंने बना के रखा है इस एरा में। पर यार जो चाइनीज टीम है, अगर आपने उनका गेम प्ले देखा है भाई, तो वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब अगर आप उनका गेम प्ले देख लोगे तो आप BTR को भूल जाओगे कि भाई इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है उनका, क्योंकि उनके जितने भी यार होते हैं कॉम्पिटिशन या टूर्नामेंट जितने भी होते हैं उनमें जो है यार भाई एम असिस्ट जो है ऑफ रहता है, ठीक है, FTP में सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और पूरा हार्डकोर मोड रहता है, मतलब आपको मैप पे कहीं भी गोलियों वगैरह के निशान नहीं आएंगे, सारी गेम साउंड सेंसिंग पे होती है और आपको साउंड सेंसिंग से यार बंदों का पता लगाना पड़ता है कि बंदे कहाँ से हमें मार रहे हैं। बेसिकली अगर आपने पबजी में जो हार्डकोर मोड आया था उसे खेला होगा तो पूरा टूर्नामेंट उनका उसी के बेस पे काम करता है, तो जिससे कि यार उन्हें काफ़ी एडवांटेज हो जाता है क्योंकि वो इतनी देर से ऐसे जो है सिनेरियो में खेलते हुए आए हैं और अपने आप को वो उसमें अडेप्ट कर चुके हैं कि यार अब अगर उन्हें मैप को देखने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती अगर उनके आसपास कोई गोली चलाता है, उनकी साउंड सेंसिंग इतनी तेज़ हो चुकी है कि वो साउंड से ही पता लगा लेते हैं कि बंदे की गोली जो है कहाँ से बज रही है। तो हालांकि यार काफ़ी बंदे इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो हमारा PMGC होने वाला है वो होने वाला है TPP में, जिसके कारण जो है चाइनीज़ टीम को काफ़ी डिसएडवांटेज होने वाला है क्योंकि वो तो ज़्यादातर FTP में खेलते हैं। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो बंदा FPP में मास्टर कर सकता है ना भाई, मेरी बात मान लो, वो TPP में आराम से खेल सकता है क्योंकि जो FPP होता है वो पूरा रिफ्लेक्स बेस्ड होता है, मतलब जितने आपके तेज रिफ्लेक्सेस हैं उतना अच्छा आप FPP में खेल पाओगे। और भाई एक बार आपके रिफ्लेक्स जो है OP लेवल के हो गए, गॉड लेवल के हो गए, ठीक है, तो TPP आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। TPP में तो आपको इतना टाइम भी मिलता कि आप एनिमी की पूरी लोकेशन देख पाओ, जब आपके क्लोज आ जाए तब मार पाओ, पर अगर आपके रिफ्लेक्स जो है पहले से ही तेज है तो यार मेरी बात मानो काफी आपको ज्यादा एडवांटेज मिलता है TPP में। बात कर लेते हैं कि भाई किस टीम के ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं। तो देखो यार मैं यहाँ कोई इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, जो मैं बता पाऊँ डायरेक्ट कि कौन सी टीम जीत पाएगी। हालांकि जो 60-70% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नोवा XKUF जीतेगी, तो भाई मेरे ख्याल से ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर आपने लास्ट के रिसेंट 2-3 मैचेस देखे हैं तो उधर 4AM ने पूरा डोमिनेशन मचा रखा था, ठीक है, 4AM ने जो XKUF को एलिमिनेट किया और मतलब बाकी जो आसपास टीम थी उन्हें भी एलिमिनेट करके चिकन डिनर लिया है। तो ऐसा मत कहो यार कि नोवा जीतेगी, और BTR ने तो अपना जो है दबदबा बना के रखा हुआ है सी रीजन में, वो सी रीजन के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं जीत चुके हैं। और यार उनके जो कैप्टन थे यार, उन्होंने जो है टूर्नामेंट जीतने के बाद जब उन्हें उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि यार आपका PMGC की तरफ क्या अप्रोच रहने वाला, तो यार उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि हम PMGC को भी जो है आराम से जीत के आएंगे। तो भाई उनका भी कॉन्फिडेंस जो है पूरा नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, तो इसीलिए किसी को भी ऐसे मत कहो कि कौन जीत जाएगा। हालांकि इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ हमें ऐसी कुछ फाइट्स देखने मिलने वाली है PMGC में जो कि हम याद रखेंगे, हम मिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई बेस्ट वर्सेस बेस्ट होने वाला है, टॉप लेवल टीम्स से टकराने वाली है। और बाकी हमें पता लगेगा यार जब ये टूर्नामेंट
टूर्नामेंट शुरू हो जाता है कौन है सबसे बेस्ट वर्ल्ड में। हालांकि यार मेरी मानो तो इंडियन टीम्स थोड़ा सा मिस हो रही है क्योंकि यार भाई हमारे बंदों ने बहुत ग्राइंड किया था, बहुत मेहनत की थी, पर एकदम से बैन हो गई गेम तो हमारे बंदे जो है हिस्सा नहीं ले पा रहे इस गेम के अंदर, इस पीएमजीसी के अंदर। पर अगर इंडियन टीम्स होती तो यार मज़ा इंटू टू हो जाता, मतलब ज़्यादा मज़ा आता हमें देखने में। पर यार तब भी जितना हो सके हम देखने की कोशिश करेंगे और मज़ा लेंगे इस टूर्नामेंट का। आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यार तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जो है पता लग सके। तो यार मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।